हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिटी टू एक्सप्लोर। आज हम आपको फिर से इंद्रलोक मार्केट लेके जाएंगे और चलिए हम अपने इंद्रलोक मार्केट थर्सडे मार्केट के सफ़र पे चलते हैं। आइए सिटी टू एक्सप्लोर के साथ इंद्रलोक मार्केट में। गुस्से साथ ही आज हमें मिली अंदर की लेन में 160 रुपए की लेडीज़ फुटवेयर। कोई भी लेडीज़ फुटवेयर आप ले सकते थे और वो 160 रुपीज़ ईच थी। ये काफ़ी कंफर्टेबल फ्लैट चप्पलें थी। फिर यहाँ पे आपके पास, फिर आगे चल के आपको 100 रुपये की इनर का पीस मिल रहा था और कॉर्डसेट के सेट्स भी थे 350 रुपये के। इसमें आप बार्गिन कर सकते हैं। फिर थोड़े आगे जाके बेडशीट्स थी। ये बेडशीट 250 रुपये की दो और 125 रुपये की एक, डबल बेड की कॉटन बेडशीट्स थी और इनका नाम मिराज था और इनका नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। इनके पास काफ़ी कलर्स और डिज़ाइंस थे। जितने खोल के दिखाने पॉसिबल थे वो दिखा रहे थे। इनका नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप चाहें तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर सूट्स थे, लेडी सूट ड्रेस मटेरियल 350 रुपये का एक। इनका नाम मोहम्मद इमरान था, आप इनका नंबर भी नोट कर सकते हैं। सूट्स कॉटन के थे विद दुपट्टा। फिर ये लोअर्स थे 200, 250, 350 और शॉर्ट्स भी थी जेंट्स की। क्वालिटी लेदर नाम से ये शॉप है, अंदर की लेन में थी ये शॉप। फिर एक भैया थे जो 100 रुपी का एक बैग सेल कर रहे थे और उनका MRP जो था वो देखने लायक था। अभी आगे चल के मैं आपको उनका टैग भी दिखाऊंगी। देखिए 999 रिबॉक का टैग है और मात्र 100 रुपीज़ में। फिर लेडीज़ जीन्स थी गर्ल्स की, यंग गर्ल्स की 150 ईच। इसमें कुछ में पैटर्न्स थे, कुछ में जैसे बटरफ्लाइज थी, कुछ प्लेन थे, कुछ एम्ब्रॉयडरी थी। लेडीज़ चप्पल थी और बच्चों की भी 200 रुपये ईच। फिर कॉस्मेटिक्स थे 100, 50, 40। कप्स थे 50 रुपीज़, ये जो बड़े वाले हैं, और जो छोटे थे वो कप्स आपको 100 में 400 में 3। आगे बच्चों की, यंग गर्ल्स की जीन्स थी डिज़ाइनर, बेल बॉटम्स में भी थी, 160 रुपये ईच। फिर हैंडबैग्स भी थे और ट्राउज़र्स, पैंट्स, ये सब भी आपको अंदर मार्केट में बहुत देखने को मिल रही थी। लेडीज़ अंडरगारमेंट जैसे 100 के ब्रास थे 3, और ये पैंट्स और ट्राउज़र सेट्स विद नेट, ये काफ़ी आजकल ट्रेंड में है और ये आपको आजकल यहाँ पे मार्केट में मिल रहे हैं 150 ईच। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे कलर्स हैं और ये बटन वाले भी जो एक स्लिट नीचे खुला होता है वो भी 3 बटन ट्राउज़र्स स्लिम फिट, ये भी आपको मिल रहे हैं 150 ईच। इनमें भी लगभग सारे कलर्स आपको मिल जाएंगे। आगे चल के हमें एक शॉप मिली जहाँ पे टॉवल्स थे। टॉवल्स आजकल बहुत ज़रूरी हैं और जो नीचे थे ये 100 रुपीज़ के थे। इनके लेंथ अच्छी थी और विड्थ भी। किचन टॉवल्स जो आप देख सकते हैं 100 के दो थे और जो ये बच्चों के कार्टून फिगर्स बने हुए हैं ये 150 ईच थे। फिर ये कप्स की एक और शॉप थी, इसमें ये कप्स आपको कटोरियाँ दे रहे थे 120 की 6 और
कॉफ़ी मग्स थे 100 के 3, 100 के 4, और जिस पे ये कॉफ़ी लिखा हुआ है जो उठा के दिखा रहे हैं, ये 120 के 6 थे। 200 से 350 रुपए की जीन्स थी, जेंट्स की, यंग बॉयज़ की। बच्चों के पजामा सेट्स थे 100 के 3, 100 के 4, अंडरवेयर्स भी थे 100 के 3, 100 के 4। ये बच्चों के लिए कॉटन होजरी में थे और काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। 100 के स्लिपर्स थे, जूतियाँ भी थी लेडीज़ की। आजकल जूतियाँ काफ़ी ट्रेंड में हैं और उसके अलावा भी इनके पास फ्लैट चप्पलें थीं। आगे चल के गली में एक शॉप थी जहाँ पे यंग गर्ल्स की आपको शॉर्ट्स और मिनी स्कर्ट्स और जीन्स और बेल बॉटम्स मिल रही थी। इन पे आपको छोटे छोटे आइकन्स भी सीक्वेंस में मिल रहे थे, जैसे मिकी माउस, मिनी माउस, किटी। पर्स थे 150 का 1 और वाइट शर्ट्स थी 150 की। सूट्स थे 350 रुपये के और ये बेच रहे थे ड्रेस मटेरियल सूट्स का 250 का 1 और 500 के 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 के 2 सूट्स कॉटन में थे विद कुर्ता, सलवार एंड दुपट्टा। काफ़ी सारे समरिश कलर्स थे इनके पास, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ईयरिंग्स थे 30, 20, 30, 50 तक की रेंज के, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ईयरिंग्स थे 30, 20, 30, 50 तक की रेंज के। इनके पास 140 से 160 रुपए मीटर शर्ट और पैंट के कपड़े थे, आप अपने पसंद की। और ये जो नीचे था ये 70 रुपी मीटर था। पैंट पीसेस थे और कुछ शर्ट पीसेस थे। 300 के 2 यानी कि 150 रुपए का 1 शर्ट्स थी बच्चों की, हाफ स्लीव्स। ये एक ज्वेलरी की शॉप थी जहाँ पे आपको 50 रुपए का हर आइटम मिल रहा था। इयररिंग्स, तगड़ी और बड़े बड़े झुमके और नेकलेस सेट्स, ये सब आपको 50 रुपए में, मात्र 50 रुपए में दे रहे थे। आगे चल के कड़े की और चूड़ियों की शॉप थी। ये कड़े आप और चूड़ियाँ को, ये जो एक एक बॉक्स का सेट था ये 100 ईच था। किसी में 4 थी, किसी में 6 थी, किसी में 8 थी, किसी में 2 थी। वो डिपेंड करता है कि आप क्या पसंद करते हैं और आपको फिट कौन सा साइज़ या कौन सा कलर आता है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे और अट्रैक्टिव कड़े थे, आप ले सकते हैं अकॉर्डिंगली, अपने हाथ के नाप के अकॉर्डिंग और अपने ड्रेस के कलर के अकॉर्डिंग। फिर ये एक और थे जो इयररिंग्स बेच रहे थे 30, 40 और 50 रुपए। आजकल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का फैशन है और ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की भरमार इंद्रलोक में भी थी दोस्तों, सरोजिनी नगर, करोल बाग, हर जगह हमें ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देखने को मिली है। यहाँ पे आपको तगड़ियाँ भी मिल रही थी या कमरबंद जैसे कहते हैं। यहाँ पे एक शॉप पे आपको 200-200 रुपए की ये प्लास्टिक में चप्पल्स थी। बारिश के टाइम में ये काफ़ी कंफर्टेबल रहती हैं और ये एक शॉप पे कपड़ा दे रहे थे, ड्रेस मटेरियल दे रहे थे और ये 200 का 5 मीटर। और यहाँ पे ये मैट्स बेच रहे थे 100 रुपीज़ ईच, फ्लोर मैट्स।
कई कलर्स साइजेस और डिज़ाइंस में इनके पास थे। फिर लखनवी कुर्तीज़, जैसे आजकल शिफॉन कुर्तीज़ का काफ़ी ट्रेंड है, 250 रुपये के एक थी। ये टॉप था जो आप जीन्स पे या स्कर्ट पे भी पहन सकते हैं, ये भी 250 का था। ये वाइट लखनवी कढ़ाई का कुर्ता था, ये भी 250। आजकल ये फिर से ट्रेंड में है। ये कॉटन, प्योर कॉटन में वन पीस लॉन्ग ड्रेसेस थी, 350, 400, 450 की। ईयरिंग्स 30, 40, 50 रुपीस मैक्सिमम। इसमें कुछ हैवी भी थे, गॉगल्स थी छोटे बच्चों की और बड़ों के लिए, 50 रुपीस, 50 रुपये की। छोटे बच्चे पहन के बहुत खुश हो रहे थे। वॉचेस थी 50, 100, 150 की। फिर ये भैया रेयन कॉटन के सूट्स बेच रहे थे, चार मीटर 450 का। फिर कॉस्मेटिक्स थे, ये स्टार्ट कह रहे थे 30 रुपीस से, इन्हें बोर्ड भी लगाया हुआ था 30, और फिर कह रहे थे जैसे जैसे आप कुछ प्रोडक्ट्स लेते जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग वो प्राइस होगा। जैसे ब्रशेस का सेट 50 का, स्पंजेस का सेट 40 का, लिपस्टिक्स 50 की, इस तरह से। ये नेल्स थे आर्टिफिशियल, जो कुछ 40 के थे, कुछ 50 के थे। लिपस्टिक सेट्स थे। फिर एक शॉप पे भैया साड़ीज़ बेच रहे थे। इनकी शॉप पे मैं दोबारा आई थी, पहले भी आई थी लेकिन पहले भी बहुत रश था। इनकी 5 साड़ीज़ थी, 400 रुपये से लेके 500, 700 और 1000 तक की रेंजेस। आप थोड़े से डिज़ाइंस और कलर्स अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैक्सिमम जो ये कह रहे थे वो 1000-1200 और स्टार्टिंग जो थी वो 400 से थी। ये वर्क वाली साड़ियाँ थी विद बॉर्डर एंड जॉर्जेट में भी थी, सिल्क टाइप में भी थी, बूटी का काम भी हुआ हुआ था, कईयों पे सीक्वेंस बॉर्डर था जैसे ये था, ऑल ओवर सीक्वेंस। ये वाली ये 1000-1200 की कह रहे थे शादी टाइप की यूज़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा इंदर लोक पटरी मार्केट थर्सडे मार्केट का सफ़र। तो सिटी टू एक्सप्लोर में आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटते हैं अच्छे से न्यू व्लॉग के साथ। लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।